हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के इस एजुकेशनल चैनल में तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ एसबीआई एसबीआई यानी कि आपका सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इस आपको जैसे कि पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जाम्स के लिए एक एस बी अप्रेंटिस का फॉर्म निकाला था ट्वेंटी में ठीक है ट्वेंटी uh, ट्वेंटी के लास्ट में दैट इज़ अप्रॉक्स दिसंबर ट्वेंटी में एक फॉर्म आया था एस की तरफ से और जिन्होंने कहा था कि आपका जनवरी में जो है एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा टेंटेटिव थी, थी। बट हाल फिलहाल में एक नोटिस ऑफिशियल नोटिस जो है आउट किया है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक है तो डिटेल में बात करते हैं में जो आपका ऑफिशियल नोटिस निकाला था उसमें जो वैकेंसीज हमारे पास आई थी दैट इज़ अप्रॉक्स 8500 गुड नंबर uh, ऑफ़ वैकेंसीज थी इसकी इसने क्या कर दिया अभी एग्ज़ाम की डेट को चेंज कर दिया जैसे कि आपको पता है कि टेंटेटिव उसने जनवरी फरवरी में कहा था बट अभी तक भी इसके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए थे कोई भी इसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं था तो अभी एस ने अपना जो है क्लियर uh, दिया है कि आप जो हम इस एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं ठीक है और इसकी जो आपकी एग्जाम की डेट्स होगी उन्हें डेफर कर रहे हैं टिल अप्रैल ठीक है अप्रैल तक हम इन्हें डेफर कर रहे हैं इट मीन्स अभी जो है मार्च में इसका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है और अभी कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है बट जहाँ तक देखा जा रहा है कि इसकी जो एग्जाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ आपकी अप्रैल में रहेंगी ठीक है तो उसी के उसी से पहले आपके दस पंद्रह दिन पहले आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर, कर देंगे और नोटिफिकेशन से बता देंगे तो बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इसकी जो है एग्जाम डेट चेंज हो गई है ठीक है बाकी एक बार वैकेंसीज आप देख लीजिए अच्छे नंबर में वैकेंसीज थी अप्रॉक्स एट्टी वैकेंसीज हैं अगर हम बात करें स्टेट वाइज वैकेंसी थी जैसे गुजरात की टोटल वैकेंसी चार सौ अस्सी है जिसमें यू के लिए वन नाइन के लिए फोर्टी एट के लिए वन ट्वेंटी नाइन की भी थर्टी और सेवेंटी इस तरह तो से नंबर ऑफ वैकेंसीज है अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी में जो टोटल वैकेंसी है बारह है एक अच्छे अमाउंट में वैकेंसीज ने निकाली थी बट इसे जैसे कि आपको पता है कि इसके एग्जाम पैटर्न में चार सब्जेक्ट्स आने वाले हैं एक तो जनरल अवेयरनेस आएगा फिर इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी सभी के ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन रहने वाले हैं ट्वेंटी फाइव मार्क्स के रहेंगे ठीक है और इसमें एक चीज आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी जैसे कि बैंकिंग के सभी एग्जाम्स में आज के टाइम पे मिल रही है कि आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलता है ठीक है तो इसमें जो सेक्शनल टाइमिंग है वो आपको 15 15 15 15 मिनट्स का इंडिविजुअल सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है ठीक है तो यानी कि हर 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस अटैम्प करने हैं तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग एबिलिटी में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन है और इसमें भी मैथ में भी पंद्रह मिनट में पच्चीस क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है लेकिन यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है वहाँ पे पंद्रह मिनट में पच्चीस क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो ठीक है तो आपको जनरल मैथ्स में फोकस करना है क्योंकि जनरल अवेयरनेस ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी कट ऑफ को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ठीक है है तो आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपका एग्जाम डेफर हो गया पॉजिटिव लीजिए आपको एक मंथ और मिल गया है आप इसकी से के लिए। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग आपको पता कि वन फोर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है सभी बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो सेम यहां पर भी रहेगा सैलरी की बात कर लें तो आपको पता ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी जॉब जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है जो कि आपको तीन साल के लिए रहेगी ठीक है तो पहले साल में आपको पंद्रह हज़ार रुपये मिलेंगे दूसरे साल में आपको साढ़े सोलह हज़ार और तीसरे साल में आपको उन्नीस हजार रुपये एज ए स्टाइटम दिए जाएंगे ठीक है और ये जो है आपको परमानेंट जॉब नहीं है ठीक है ये तीन साल के लिए ही आपके अप्रेंटिस प्रोग्राम है इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं यहाँ से अपना क्या सकते ले सकते हैं एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके साथ साथ जो भी आपके प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं वो आप इन तीन साल में क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से आप अच्छा सा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगा बट कोशिश करिएगा कि इन तीन साल के अंदर अंदर आप कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब ले लें ठीक है तो फॉर्म फिलअप ने करा था 20 दिसंबर को 20 दिसंबर 2020 को लास्ट डेट थी ठीक है एग्जाम इन्होंने टेंटेटिवली जनवरी कहा था मैंने आपको बता दिया है बट अभी इसमें मार्च में भी कोई एग्जाम नहीं है इन्होंने अभी रिसेंट में नोटिस निकाला है कि हमने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है टिल अप्रैल 2021 तो अप्रैल 2021 के बाद जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आएगा जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो कि डेफ़र कर दिया अप्रैल 2021 तक तो फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन रिवाइज नोटिफिकेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग इनको आपको पता चल जाएगा कि कब आपका एग्जाम होने वाला है एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे और आप आ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी विजिट कर सकते हो ठीक है तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी इसका फॉर्म फिल किया है वो अच्छे से तैयारी करिए इसकी और ये है जो है मेजर पार्ट प्ले करेगा आपके सेक्शन में सेलेक्शन में तो आप उसकी भी तैयारी करिए ठीक है ऑल द बेस्ट निकलते हैं नए सेशन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय